हेलो गाइस, आज सरोजा का ऑफिशियल चैनल में आप लोग को वेलकम। हम आपको एक स्कूल दिखाएंगे जहाँ पे बहुत सारे बच्चे लड़के बिसाब हुए, फादर बने और बहुत अच्छा अच्छा जगह में नौकरी चाकरी कर रहा है। वैसे ही वो स्कूल को देखिए, इधर दोस्त देखिए, इसको हमीरपुर हाई स्कूल। स्कूल में हम भी पढ़े थे सरोजा का। अभी ये स्कूल का डेकोरेशन बहुत चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हॉस्टल नहीं था, यहाँ पहले यहाँ पे खाना वाना सब बना रहा था, अभी यहाँ पे हॉस्टल हो गया है। यहाँ से बहुत दूर दूर से बच्चे लोग पढ़ने आते हैं गांव घर से। अभी तो गवर्नमेंट इतना फैसिलिटी कर रही है कि अभी यहाँ पे बच्चे लोग यहाँ पे फ्री एडुकेशन के साथ में खाना पीना फ्री से मिल जा रहा है, रहने के लिए अच्छा बेड मिल जा रहा है। बहुत पहले तो ज़मीन में सोता था, अभी ये लोग ज़मीन में नहीं सोता है, अभी ये लोग स्पेशल बेड मिल गया है। अंदर तो घुसने नहीं देगा, चलो बाहर से ही देख लेते हैं। लॉक है उधर से। ओह गॉड, हेलो। अभी तो मार्बल रूम कर दिया है, चल मार्बल रूम सब कर दिया है। और सब देख रहे हो कैसे रहते हैं हॉस्टल का बच्चे लोग, हमीर भाई स्कूल। यहाँ ये स्कूल में क्लास 8 से क्लास 6 से 10 तक है, जबकि स्कूल में मैं भी पढ़ाई किया। और इधर आप लोग देख पाते हो कि इधर तो इधर हम लोग का पीटी मास्टर का सर का एक घर था, पारस तिर्की। अभी वो तो रिटायर हो गए, पहले हम लोग को पीटी सब सिखा रहे थे। बहुत सुंदर स्कूल है और बहुत सुंदर स्कूल। अरे स्कूल टू फॉरेनर फादर लोग बनाया था। अरे उड़िया मीडियम है, कोई इंग्लिश मीडियम भी नहीं है। जब हम भी यहाँ से पढ़ के निकले हैं तो इट्स गुड फॉर मी। देख सकते हो स्कूल का डेकोरेशन कितना अच्छा था हम लोग का। ये हम पढ़े हैं स्कूल में, सो ब्यूटीफुल स्कूल यू कैन सी। आज वो दिन याद आते हैं स्कूल का। यहाँ पे हम लोग जब भी लेट आते थे तो एक टू सर था, फादर था, फादर लजरूस लग रहा बोल के बहुत मारते थे, डांटा पकड़ पकड़ के मारते थे। लेट जाने से पराठ पराठ देते थे, हम मार खा के बिड़ बिड़ कूद देते थे। हम भी ऐसे भी दो तीन बार मार खाए हैं उनसे, मार खाने भी अच्छा लगता है लेट जाने के चक्कर में। पढ़ाई में तो कभी मार नहीं खाया है, लेकिन पढ़ाई में लेट जाने के चक्कर में ही मार खाए हम थोड़ा। सो पंक्चुअलिटी था, कभी कभी लेट भी हो जाता था। पहले यहाँ पे बड़ा बड़ा पेड़ सब था, अभी वो पेड़ सब भी नहीं है, अभी कट दिया है। अभी ये सब ईटा ईटा धूल वूल सब दिखता होगा आप लोग को। और उधर हम लोग का बास्केटबॉल ग्राउंड है उधर, अभी तो ये बाउंड्री नहीं था, अभी बाउंड्री लगा दिया है। चलो उसको भी मैं थोड़ा दूर से दिखा देता हूँ, बास्केटबॉल ग्राउंड को भी। यस यस, हम लोग उधर जा सकते हैं, इधर खोलने के लिए है। आप लोग देख सकते हैं बास्केटबॉल ग्राउंड है ये, यहाँ भी हम लोग सीख रहे थे, बास्केटबॉल खेल रहे थे, बास्केटबॉल खेल रहे थे इधर। अभी तो बास्केटबॉल का हुजड़ा हो गया है, और यहाँ स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स हो रहा था पहले, अभी इवेंट्स हो रहा था स्पोर्ट्स यहाँ दौड़ दौड़। हम तो बहुत सारा प्राइज जीत चुके हैं प्राइज स्पोर्ट्स में। और यहाँ बास्केटबॉल के ग्राउंड भी है, आजकल तो वॉलीबॉल भी खेलने शुरू कर दिया यहाँ पे, पहले वॉलीबॉल नहीं था, अभी वॉलीबॉल सिस्टम सब। चलो अच्छी बात है, हम लोग के टाइम में वॉलीबॉल का कोई फैसिलिटी नहीं था, अभी वॉलीबॉल का ये सब ग्राउंड भी लग गया।
और जिस टाइम हम सेमिनारी ज्वाइन किए थे उस टाइम मुझे वॉलीबॉल बास्केटबॉल कुछ नहीं आता था, सेमिनारी में हम जाके सीखे हैं। और अभी चलो ये लोग अच्छा से खेल के कहीं भी जाएगा तो वॉलीबॉल बास्केटबॉल आराम से कहीं भी हाई फाई जगह में खेल सकता है, क्या अच्छी बात है। और ये फील्ड में परेड वरेड सब होता है, होता था।